हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल कवर अबाउट वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर इन अ यूनिवर्सिटी। हियर नॉन नेट एंड नॉन पीएचडी कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो यहाँ पर नॉन नेट या नॉन पीएचडी मीन्स अगर नेट नहीं भी क्वालिफाई है, पीएचडी नहीं भी कंप्लीट हुई है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा अलॉन्ग विद दैट नॉन टीचिंग पोस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल एंड हियर नो एप्लीकेशन फी फॉर एनी पोस्ट, सो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल। सो लेट अस मूव अहेड फॉर द वैकेंसी एंड द डिटेल्स। बिफोर दैट, if you have not subscribed this channel, please do subscribe, please press the bell icon and share with your friends and press a like button also. to chale aage badhte hain hum details ki taraf. the advertisement has come in the newspaper mein aayi thi ye time sent 15th july, aaj ki ye notification hai. ये आपके आई हुई है एडवर्टीजमेंट, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। नाउ जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड इन जयपुर एंड जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट में ये आपको मिलने वाला है। वी आर हायरिंग, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द वैकेंट पोजिशंस डायरेक्टर लॉ एंड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड जर्नलिज्म। तो फर्स्ट पोजिशन इज फॉर डायरेक्टर पोजिशन, वी आर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस रिसर्च और टीचिंग विद पीएचडी एंड पब्लिकेशन इन स्कोपस एंड मास्टर्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 10 ईयर एक्सपीरियंस एंड पीएचडी टू। चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। नाउ वुड लाइक टू मेंशन दैट असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, बट हियर दे आर आस्किंग फॉर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है, कहीं पर भी एक्सपीरियंस है, अगर वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग की एडॉक हो, परमानेंट हो, पार्ट टाइम हो, विजिटिंग हो, कोई भी हो, तो आप जरूर इसको शो करके यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। नाउ बात आती है कि हाउ कैन विदाउट नेट एंड विदाउट पीएचडी कैंडिडेट्स अप्लाई हियर। हाउएवर दे हैव मेंशनड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड सैलरी एज पर यूजीसी एआईसीटी नॉर्म्स। हालांकि मेंशन किया है उन्होंने, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपको मेंशन तो करती है, लेकिन आपको सैलरी यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं देती, एआईसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं देती। इसके लिए वो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन में थोड़ा एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करती है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया नेट क्वालिफाइड एंड स्लैश पीएचडी विल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पर अगर इसे लॉजिकली देखा जाए तो ये कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज दूसरी अगर वैकेंसीज आप देखें तो वहां पर मैंडेटरी लिखा जाता है, नेट मैंडेटरी, पीएचडी मैंडेटरी, बट विल बी प्रेफर्ड मतलब आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं विदाउट नेट विदाउट पीएचडी। अगर वैसे कैंडिडेट्स मिले तो उन्हें हायर किया जाएगा, विदाउट नेट विदाउट पीएचडी वालों को भी वो हायर कर सकते हैं क्योंकि वो सैलरी में कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी। मीडिया में कम्युनिकेशन रिसर्च, मीडिया पॉलिटिक्स। इंजीनियरिंग में प्योर मैथमेटिक्स है, सो एमएससी वाले मैथमेटिक्स वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन, इंग्लिश। लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश में कोर लिटरेचर है, सो इंग्लिश एमएससी एमए जिन्होंने भी की है वो एप्लीकेशन डाले, या नेट सेट है या पीएचडी है तो भी डाल सकते हैं। लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जिनकी एमटेक हो चुकी है, एमई हो चुकी है, वो जरूर डालें। लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मा में जितने ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं स्पेशलाइजेशन। लॉ में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पीआईएल एंड लीगल एड। मैनेजमेंट में एमबीए वाले फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, एचआर एंड मार्केटिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सभी हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन को ठीक से समझ के लेना, अगर आपके पास एमए या एमएससी एमएड है अलॉन्ग विद इसमें, अगर आपने एमए की है इंग्लिश में, जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज में एंड मैथमेटिक्स में, एंड अलॉन्ग विद दैट मास्टर्स के साथ एमएड किया हुआ है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, एप्लीकेशन डाल दें। अगर नेट सेट की है, पीएचडी की है तो भी डालें, नहीं है तो भी। सोशल साइंसेज अलग से है,
इसमें एजुकेशन एम्बेड होने की जरूरत नहीं है। एमएसडब्ल्यू फिजियोथेरेपी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया, हाउएवर दे हैव मेंशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड सैलरी एज पर यूजीसी, बट दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मोस्टली डू नॉट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी, आई गेस दैट द सैलरी वुड बी बिटवीन 22,000 to 25,000 or 20 above, मतलब 20,000 above सैलरी पर मंथ, एक्सपेक्टेड सैलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ अदर पोस्ट आर देयर, नॉन टीचिंग पोस्ट पोस्ट वेकेंसीज, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, तो ये आप देखें, स्पोर्ट्स ऑफिसर एमपेड है जिनके पास में, और उनके पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल कंप्यूटर नॉलेज है, एमपेड वाले यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मीन्स फिजिकल एजुकेशन जिनकी मास्टर्स हो गई है वो यहाँ पर बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस लिखा है बट विदाउट एक्सपीरियंस भी आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन। लैब असिस्टेंट में ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, तो देखें लैब असिस्टेंट में जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए, इसमें आपकी किसी भी ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में तो, या डिप्लोमा डिग्री है तो आप बिल्कुल डालें। मीन्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर में ऑब्वियसली इंग्लिश वालों को लेते हैं, 5 to 7 years एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। मार्केटिंग एडमिशन इंचार्ज में भी यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं जिनको 3 to 5 साल का एक्सपीरियंस है, या एमबीए वाले भी बिल्कुल एप्लीकेशन डालने की कोशिश करें। प्लेसमेंट ऑफिसर हैं और बाकी है यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, ये आप देख सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन में ऑल्सो अप्लाई फॉर एमेरिटस एडजंक्ट और गेस्ट फैकल्टी, तो गेस्ट फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी, एमेरिटस फैकल्टी के लिए भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई विद इन 7 days अलॉन्ग विद डिटेल सीवी, अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स स्लैश टेस्टिमोनियल्स एट द फॉलोइंग एड्रेस। प्लीज नोट डाउन द एड्रेस, नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस इंफॉर्मेशन, दिस डिटेल्ड वैकेंसी इज नॉट अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं मिलने वाला बिकॉज आई हैव चेक्ड इट, नथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। लॉट ऑफ न्यूज पेपर, लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर पब्लिशिंग दैट द डेट ऑफ पब्लिकेशन इज 15th July 2020। तो ये एप्लीकेशन डालने के लिए आपको मे ऑल्सो अप्लाई अलॉन्ग विद दिस एट द फॉलोइंग एड्रेस, मतलब यहाँ पर आपको भेज देनी है, ई मेल भी कर दें आप और साथ में यहाँ पर भी भेज भी सकते हैं 7 days के अंदर। मीन्स 22nd of July इज द लास्ट डेट। यहाँ पर फिर से आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।